नॉर्मल सा ट्रांसफॉर्मेशन किया था उस टेबल के ऊपर एंड देन वी लोड दिस टेबल इन पावर बी डेस्कटॉप एप्लीकेशन, यहाँ तक हमने देखा था लास्ट लेक्चर, ठीक है। अभी मुझे कुछ और चेंजेस करने हैं इस टेबल में, मुझे वापस पावर क्यूरी एडिटर में जाने के लिए पावर बी डेस्कटॉप से, यहाँ पे देखो क्यूरीज में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन है, इसको अगर मैं एक्सपांड करूंगा तो दो ऑप्शन आएंगे आपके सामने, एक आएगा ट्रांसफॉर्म डेटा, सेकंड इज द डेटा सोर्स सेटिंग। हमें क्लिक करना है ट्रांसफॉर्म डेटा, जैसे मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगा देन अगेन पावर क्यूरी एडिटर का विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो पावर बी आई डेस्कटॉप से पावर क्यूरी एडिटर को ओपन करना है तो ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन क्लिक करेंगे, गेट डेटा से अगर हमने डेटा को जब फेच कर रहे हैं डेटा सोर्स से उस टाइम पे हमें ऑप्शन मिलता है कि लोड करना है या ट्रांसफॉर्म करना है। सो ड्यूरिंग द ड्यूरिंग फेचिंग ऑफ योर डेटा अगर आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हो तो पावर क्यूरी एडिटर ओपन हो जाएगा, अगर आपने डेटा लोड कर दिया है एंड देन आप उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, कुछ चेंजेस करना चाहते हो, देन इन पावर बी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस यू कैन यूज दिस ऑप्शन ट्रांसफॉर्म डेटा। इस ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते ही आप पावर क्यूरी विंडो आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। फाइन, सो अभी लेट्स से मुझे इस टेबल में एक कॉलम ऐड करना है जिसका जिसमें मुझे डेज पता चले कि 1st of January 2015 को कौन सा डे था, राइट। यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर। ये पर्टिकुलर टेबल में एडवेंचर वर्क कैलेंडर का जो टेबल है, इस टेबल में एक कॉलम है डेट का, मुझे इस डेट के कॉलम को यूज करके अनादर कुछ कॉलम्स यहाँ पे बनाने हैं टेबल्स के अंदर, जैसे ईयर हो गया, मंथ हो गया, मंथ नंबर, डे का नाम हो गया, स्टार्ट ऑफ द वीक हो गया, ऐसे मल्टीपल कॉलम्स मुझे बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं उस कॉलम को सेलेक्ट करूंगा जिस कॉलम के ऊपर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है या जिस कॉलम को यूज करके मुझे नए कॉलम बनाने हैं, उसको मुझे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस टेबल में एक ही कॉलम है तो बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड है। यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं मेनू में, सबसे पहला ऑप्शन आता है होम, देन आता है ट्रांसफॉर्म, देन आता है ऐड कॉलम। अगर आप जिस कॉलम को सेलेक्ट किया है आपने, आपको उसके अंदर ही कुछ चेंजेस करने हैं, कोई नया कॉलम नहीं बनाना है, इसी कॉलम को चेंज करना है, कुछ इसका डेटा टाइप चेंजेस करना है या कुछ वैल्यूज रिप्लेस करने हैं उसके अंदर के, मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हो आप वो उसी कॉलम में होने वाले हैं, कोई नया कॉलम नहीं बनने वाला, उस केस में आप ट्रांसफॉर्म ऑप्शन यूज करोगे। ये ट्रांसफॉर्म जो दिख रहा है आपको, ट्रांसफॉर्म ऑप्शन के जितने ऑप्शन है आप उसी कॉलम्स के ऊपर या उसी टेबल्स के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए यूज करोगे। अगर आपको नए कॉलम्स बनाने हैं टेबल्स के अंदर, देन आप एड कॉलम सेक्शन जो है यहाँ पे इसके यूज करोगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म एंड एड कॉलम में फर्क समझ में आया? अगर आपको उसी कॉलम के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं देन ट्रांसफॉर्म ऑप्शन और होम ऑप्शन, एंड अगर आपको नए कॉलम बनाने हैं यूजिंग एग्जिस्टिंग कॉलम देन ऐड कॉलम का यूज करो, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो अभी रिक्वायरमेंट ऐसी है, मुझे यहाँ पे एक नया कॉलम चाहिए जो मुझे उस पर्टिकुलर डेट में, जैसे 1st of January 2015 को कौन सा डे था वो मुझे यहाँ पे वो इन्फॉर्म करे या बताए मुझे यहाँ पे वैल्यू में एक नए कॉलम में। तो ऑब्वियसली मैं नया कॉलम बना रहा हूँ तो आई विल गो ऐड कॉलम सेक्शन। अभी जिस डेटा के ऊपर या जिस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया है एनालिसिस के लिए और इसका यूज करके मुझे नए कॉलम बनाने वाला हूँ, तो पावर बी अंडरस्टैंड कर लेता है कि ये जो कॉलम जो सेलेक्ट किया हुआ है आपने एक डेट कॉलम है, तो फ्रॉम नंबर, फ्रॉम टेक्स्ट या AI Insights, ये जो ऑप्शन है इसमें से आप देखोगे कि फ्रॉम डेट एंड टाइम का जो सेक्शन है वो आपको हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शंस आपको ऑन हो रहे हैं, बाकी के ऑप्शंस यहाँ पे ग्रेड आउट है नंबर के या टेक्स्ट के, ठीक है। तो मुझे इस पर्टिकुलर सेक्शन में जाना है फ्रॉम डेट एंड टाइम, यहाँ पे डेट का एक कैलेंडर जैसा साइन दिख रहा है, अगर मैं उस पर उसको एक्सपांड करूँ तो बहुत सारे ऑप्शंस मेरे सामने आते हैं। हमें चाहिए उस पर्टिकुलर डेट का डे चाहिए, तो आई विल गो इन डे, डे में मेरे पास है डे, डे ऑफ वीक, डे ऑफ ईयर, स्टार्ट ऑफ डे, एंड ऑफ डे, नेम ऑफ डे,
हमें चाहिए नेम ऑफ डे, सो मैं नेम ऑफ डे को क्लिक करूंगा, यू सी डे नेम नाम का एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा जिसमें मुझे वो बताएगा कि 1st of January 2015 को थर्सडे था। और यहाँ पे अप्लाइड स्टेप्स के अंदर एक स्टेप ऐड हो जाएगी कि आपने इंसर्टेड डे नेम किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये स्टेप समझ में आया, हमने क्या किया, डेट के कॉलम को पहले सिलेक्ट किया, देन वी गो टू ऐड कॉलम सेक्शन एंड ऐड कॉलम के अंदर हमने डेट को एक्सपांड करके डे का जो ऑप्शन है उसके अंदर का नेम ऑफ डे आपने सेलेक्ट कर लिया। जैसे नेम ऑफ डे पे मैंने क्लिक किया, एक नया कॉलम ऐड हो गया जिसने इस डेट के कॉलम का रेफरेंस लेके एनालाइज कर लिया कि 1st of January 2015 को थर्सडे था और उसने मुझे एक वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड की हर एक डेट के लिए। ये कॉलम बनाओ सब लोग, डे नेम। बन गया डे नेम का कॉलम, ऑप्शन मिला सबको डेट के अंदर का डे। किसी को कुछ इश्यू है या ऑप्शन जिसको नहीं मिला या समझ में नहीं आया ये कॉलम कैसे बना, ऐसा कोई है? सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, सो डे नेम का कॉलम बन गया हमारा, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप है, मुझे यहाँ पे देखना है कि ये जो जनवरी मंथ है इसका मुझे नाम चाहिए, यहाँ पे मंथ का नाम जो है, ये जनवरी मंथ राइट, 1st of January 2015 यहाँ पे डेट है, तो मुझे एक कॉलम चाहिए जिसमें हो मंथ का नाम। तो अगेन मैं इस डे नेम के कॉलम को नहीं सेलेक्ट करूंगा, मुझे डेट का कॉलम ही सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि डेट का कॉलम ही मुझे फुल इंफॉर्मेशन दे रहा है रिगार्डिंग मंथ, रिगार्डिंग डेट और रिगार्डिंग ईयर, राइट। अगर मैं डे नेम का कॉलम सेलेक्ट करूं तो इस डे नेम के कॉलम से, इस थर्सडे से मुझे कुछ पता नहीं चलने वाला या कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि ये जनवरी मंथ है या फेब्रवरी मंथ है, क्योंकि थर्सडे तो हर एक मंथ में है, इसीलिए हमें डेट का कॉलम ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसी डेट के कॉलम को यूज करके हम मंथ नेम का एक नया कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले डेट का कॉलम को सेलेक्ट करो, अगेन इन द एड कॉलम सेक्शन आई विल गो टू दिस डेट ऑप्शन अगेन एंड इन द डेट ऑप्शन दिस टाइम आई विल चूज इन द मंथ। सो इन द मंथ वी हैव दिस फाइव ऑप्शंस, मंथ, स्टार्ट ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, डेज इन अ मंथ एंड नेम ऑफ अ मंथ। सो व्हेन आई क्लिक ऑन नेम ऑफ अ मंथ, यू सी मंथ नेम का एक नया कॉलम बना जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि 1st of January 2015 हैविंग जनवरी मंथ। अगर मैं नेक्स्ट डेट को दिया 15th of February, इट्स हैविंग फरवरी मंथ। लाइक दैट मुझे जनवरी से लेके दिसंबर तक सारे मंथ्स यहाँ पे मिले यूजिंग दिस ऑप्शन मंथ नेम, जो कहाँ पे डेट के अंदर मंथ मंथ नेम। हेलो, नेम ऑफ मंथ। एक्चुअली सर मैंने अभी किया तो मेरा सब जनवरी आ रहा है। और सब जनवरी आ रहा है? हाँ यस, ऐसे ही आ रहा होगा ना, जनवरी जनवरी जनवरी। Yes, 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 yes. तो क्योंकि ये जो डेट देखो ना, ये सारी जनवरी मंथ की है ना। Yes, yes, yes. स्क्रॉल करो ना नीचे, डेट चेंज करके देखो, फरवरी की डेट्स देखो। हाँ हाँ हाँ, yes, 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 right. आ गया। ठीक है? Yes, yes. अभी ये जो स्टेप्स आप परफॉर्म कर रहे हो यहाँ पे, जो ऑपरेशन कर रहे हो यहाँ पे, ये सारे अप्लाइड स्टेप्स के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो रहा है। यहाँ पे जैसे आपने इंसर्ट डे किया था तो इंसर्ट डे नेम आ रहा है, इंसर्टेड मंथ किया तो इंसर्टेड मंथ नेम आ रहा है। इस स्टेप्स को आप रीनेम कर सकते हो, अपने हिसाब से आप इसको नेमिंग दे सकते हो, जो क्या इन्फॉर्मेशन देगी, जो इन्फॉर्मेशन देगी कि आपने क्या यहाँ पे स्टेप्स किया हुआ। जैसे इंसर्टेड मंथ नेम को मैं रीनेम कर रहा हूँ, उस पर मैं डबल क्लिक करूंगा,
मिनट सम ऑफ द स्टेप्स आर स्टैंडर्ड वन दैट्स व्हाई इट्स नॉट रीनेमिंग बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेप्स जो जनरेट होता है यहाँ पे उसको आप रीनेम कर सकते हो, आप अपने हिसाब से उसको नाम दे सकते हो कि इस स्टेप्स में आपने क्या इन्फॉर्मेशन या क्या किया हुआ है उस पर्टिकुलर टेबल में. ठीक है, लेट्स मूव फर्दर. जब रीनेम का राइट क्लिक करके कर सकते हैं, बोलिए राइट क्लिक करके कर सकते हो उसमें. हाँ राइट क्लिक करके, लेकिन मेरा उसमें राइट क्लिक कर. हाँ ये रीनेम हो सकता है. ठीक है, इंसर्टेड मंथ नेम पर आप कुछ और भी कर सकते हो, जैसे मंथ नेम, मैं बस मंथ नेम भी कर सकता हूँ या वट एवर, तो वैसे स्टोर हो जाएगा. ये किस लिए होता है, क्योंकि जब आप स्टेप्स करते हो यहाँ पे, अगर आपको इन फ्यूचर में आपने उसको देखा वापस इस स्टेप्स को, तो उस स्टेप्स को पढ़ के ही आपको समझ में आ सकता है कि आपने क्या ऑपरेशन किया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, इसलिए ये रीनेम करके आप अपने हिसाब से इसको नाम दे सकते हो. मोस्ट ऑफ द टाइम इसको रीनेम करना ही बेटर रहता है, क्योंकि इंसर्टेड मंथ नेम, इंसर्टेड डे नेम ये तो समझ में आता है, लेकिन आगे की कुछ स्टेप्स ऐसी होंगी तो सिमिलर ही रहती है. जैसे मैंने कोई कस्टम कॉलम ऐड किया, कस्टम कॉलम वन, कस्टम कॉलम टू, ऐसे नाम आते जाएंगे उसको, तो पता नहीं चलता कि क्या ऑपरेशन किया हुआ है हमने. ठीक है, इसलिए रीनेम करना बेटर रहता है. बट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितना कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स यहाँ पे बनाते हो, कितने स्टेप्स बनाते हो. हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स हम यहाँ पे बनाएं, अप्लाइड स्टेप्स या पावर क्यूरी में हम कॉलम्स बनाएं, क्योंकि कॉलम्स जब भी बनाते हो आप तो अल्टीमेटली वो टेबल की साइज को इंक्रीज करता है. जैसे हमने जैसे मैं एक टेबल में, पहले मेरे पास एक ही कॉलम था, लेकिन अभी मेरे पास यहाँ पे तीन कॉलम है, सो अल्टीमेटली इस टेबल का जो साइज है, ये जो वो साइज कंज्यूम कर रहा है इस फाइल के, DA10 पावर बी आई फाइल के अंदर, तो वो कुछ बढ़ रहा है राइट, इस कॉलम की वजह से. तो जितने कॉलम्स आप बढ़ाओगे उतना आपकी ये PBX फाइल का साइज बढ़ेगा, जितना साइज बढ़ेगा उतना वो जब रिफ्रेश होगा रिपोर्ट ऑटोमेटिकली, तो उस टाइम पे वो टाइम लेगा. जितना डेटा कम रिपोर्ट्स में उतना ज़्यादा जल्दी रिफ्रेश होगा, जितना ज़्यादा डेटा उतना टाइम लेगा रिफ्रेश के लिए. ठीक है, सो ये तीन कॉलम बन गए, हमारे पास तीन कॉलम है. अभी नेक्स्ट कॉलम मुझे बनाना है, लेट्स से मुझे चाहिए इसके अंदर का ईयर, दिस इज 2015, 2016, जो भी वट एवर द ईयर्स आई एम हैविंग, मुझे ईयर्स यहाँ पे चाहिए एक कॉलम के अंदर. सो अगेन आई सेलेक्ट डेट कॉलम, इन द एड कॉलम सेक्शन, अगेन इन फ्रॉम डेट्स सेक्शन आई चूज ईयर दिस टाइम, एंड आई जस्ट क्लिक ऑन द ईयर. तो जितने भी ईयर है यहाँ पे, जैसे दिस पर्टिकुलर डेट है 2015, सो 2015 यहाँ पे इस सेल में मेरे पास आ गया. तो जितने भी डेट्स रहेंगे वो डेट्स मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे. इवन आई कैन सी ओवर हियर व्हेन आई ड्रॉप डाउन लाइक एक्सेल, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कितने वैल्यूज, डिस्टिंक्ट वैल्यूज इस पर्टिकुलर कॉलम में है. ठीक है, बट मेक श्योर कि आप यहाँ पे कोई अनचेक या चेक मत करो, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे, लेट्स से मैंने यहाँ पे 2016 को सेलेक्ट कर लिया एंड मैंने ओके कर दिया, तो ये क्या होगा, देखो अप्लाइड स्टेप्स में एक स्टेप ऐड हुई है, फिल्टर रोज, आपने एक स्टेप ऐड किया है और डेटा को आपने 2016 के बेसिस पे फिल्टर कर दिया है. आपने लेट से हो सकता है कि आपसे गलती से यहाँ पे फिल्टर लग गया, और जब आप डेटा को लोड करोगे, लेट से मैं अभी इस डेटा को लोड कर रहा हूँ क्लोज एंड अप्लाई करके, तो हमारे पास पावर बी आई डेस्कटॉप के अंदर जो डेटा लोड होने वाला है वो डेटा सिर्फ 2016 के लिए लोड होगा. 15 और 17 का जो डेटा अनचेक हुआ था वो डेटा अभी आपको दिखेगा नहीं, इसलिए पावर क्यूरी के अंदर जो फिल्टर लगाएंगे अपन, देखो यहाँ पे बस 2016 दिख रहा है, क्योंकि पावर क्यूरी के अंदर आपने फिल्टर लगाया हुआ था, इसलिए उतना ही डेटा यहाँ पे लोड हुआ. यहाँ पे कोई भी फिल्ट्रेशन आप लगाओगे तो वो मैटर नहीं करता, वो कंसिडरेशन में रहता है. दिस इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारे रेफरेंस के लिए है. यहाँ पे आप कितने भी फिल्टर लगाओ, कुछ सेलेक्ट करो, अनसेलेक्ट करो, वो यहाँ पे डेटा दिखाते टाइम उतना दिखाएगा, लेकिन उसका कुछ इस रिपोर्ट्स पे फर्क नहीं पड़ता. लेकिन पावर क्यूरी के अंदर जो फिल्टर लगाते हो आप, उसका डायरेक्टली फर्क पड़ता है रिपोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि आप उतना ही डेटा लेके आ रहे हो पावर बी आई डेस्कटॉप के अंदर. अंडरस्टैंड, ये समझ में आया कि पावर क्यूरी के अंदर जब हम फिल्ट्रेशन लगा रहे हैं, देन हमें थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है जो फिल्टर्स लगाने जरूरी है
या कभी कभी ऐसा होता है कि लेट्स से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है या कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि हमें बस 2016 का ही डेटा देखना है, बाकी कौन से ईयर का डेटा हमें नहीं चाहिए, बस पर्टिकुलर ईयर का ही डेटा हमें रिपोर्ट में देखना है। सो उस टाइम पे वैसी कंडीशन के लिए आप यहाँ पे हार्ड कोडेड फिल्टर कर सकते हो कि 2016 का ही डेटा बस आगे लेके जाओ, बाकी का डेटा लेके जाने की जरूरत नहीं है। बट मोस्टली ऐसे होता नहीं है, कस्टमर सारी ईयर्स का डेटा मांगता है। हाँ, वो डिपेंड करता है कि लेट्स से कोई कैटेगरी हो, पर्टिकुलर कैटेगरी को ही उस पर एनालिसिस करना है, देन आप उस कैटेगरी के ऊपर हार्ड कोडेड फिल्टर यहाँ पे पावर क्यूरी में लगा के उतना ही डेटा लेके जा सकते हो। इससे क्या होता है कि जैसे अभी यहाँ पे मेरे पास 3 साल का डेटा था और मैंने 1 साल का डेटा ही फिल्टर करके आगे लेके गया, तो जो रिपोर्ट की बनने वाला जो है रिपोर्ट, वो कम डेटा का बनेगा, राइट? सो रिफ्रेश फास्ट होगा। अगर मैं 3 साल का डेटा लेके गया आगे, तो रिपोर्ट का साइज उतना बढ़ेगा, रिफ्रेश के लिए टाइम उतना लेगा। सो ये एक डायरेक्टली कनेक्शन है बिटवीन कि आप डेटा जितना बड़ा उतना आपका रिफ्रेश का टाइमिंग बड़ा, डेटा जितना कम उतना रिफ्रेश का टाइम कम। सो पावर क्यूरी में फिल्ट्रेशन कैसे लगाते हैं, उसका क्या फर्क होता है, कैसे फर्क पड़ता है, ये हमने अभी देखा। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, कुछ समझा कुछ नहीं समझा, ऐसे कुछ है? ये सबको समझ में आया सर? यस सर। ठीक है, तो ये फिल्टर जो रोज हमने किए थे, इस स्टेप को मुझे डिलीट करना रहेगा, तो दिस क्रॉस साइन इज देयर ओवर हियर, राइट? तो उसको मैं क्लिक करके उसको डिलीट कर सकता हूँ, करेक्ट? लेट्स से और एक कॉलम बनाते हैं, मुझे चाहिए अभी यहाँ पे क्वार्टर का नंबर चाहिए, क्वार्टर्स जो होते हैं, राइट? एक ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर्स, राइट? सो मुझे यहाँ पे क्वार्टर्स के नाम चाहिए, 1, 2, 3, 4। तो क्वार्टर अगर मेरा जनवरी से स्टार्ट हो तो वो किस मंथ में खत्म होगा? फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल मार्च, फर्स्ट क्वार्टर एंड्स इन मार्च एंड सेकंड क्वार्टर स्टार्ट विद अप्रैल। सो लेट्स से मैं अगेन डेट का कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ, अगेन आई विल गो टू द ऐड कॉलम सेक्शंस एंड ओवर हियर फ्रॉम द डेट आई कैन चूज क्वार्टर्स। सो आई कैन सेलेक्ट क्वार्टर ऑफ ईयर। सो देखो यहाँ पे नंबर्स के फॉर्मेट में आया कि 1, 2, 3, 4। लेट्स से फॉर दिस जनवरी टू मार्च, 31st ऑफ मार्च मेरा फर्स्ट क्वार्टर है एंड यू सी 1st ऑफ अप्रैल से मेरा सेकंड क्वार्टर शुरू हो रहा है। इवन इफ आई ड्रॉप डाउन दिस, यहाँ पे देखो आपको 1, 2, 3, 4 चार क्वार्टर्स दिखेंगे, ठीक है? तो अभी लेट्स से यहाँ पे अपन ने क्वार्टर का तो कॉलम बना दिया, लेकिन मुझे क्वार्टर का जो कॉलम है वो ऐसे देखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे Q1, Q2, Q3 या Q-1, Q-2, Q-3, समथिंग लाइक ऐसे देखना है मुझे, ना कि 1, 2, 3, 4, क्योंकि मुझे अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ये 1, 2, 3, 4 विजुअलाइजेशन पर्पज या अटेंशन पर्पज प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है कि मैं डिनोट करने के लिए उनको Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे डिनोट करूँ ताकि वो अंडरस्टैंड हो सके प्रॉपरली, ठीक है? तो उसको कैसे करें, तो लेट्स से दिस क्वार्टर कॉलम, इस क्वार्टर कॉलम का मैं एक नया कॉलम भी बना सकता हूँ, इसी में चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है? सो लेट्स से मैं एक नया कॉलम बनाना हो यहाँ पे, तो मैं अभी मुझे क्वार्टर के कॉलम पे ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करने है, ना कि डेट के कॉलम पे ऊपर, राइट? सो मैं क्वार्टर का कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे देखो ऐड कॉलम के सेक्शन में मेरे पास कुछ ऑप्शन है, कॉलम्स फ्रॉम एग्जाम्पल, कस्टम कॉलम्स, इनवोक कस्टम फंक्शंस, कंडीशनल कॉलम। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन ले रहा हूँ यहाँ पे, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, इसको ड्रॉप डाउन करता हूँ मैं, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, फ्रॉम ऑल कॉलम्स, फ्रॉम सेलेक्शन। सो मुझे सेलेक्शन जो मैंने किया है उसके बेसिस पे ही कॉलम बनाना है नया, सो आई विल चूज फ्रॉम सेलेक्शन, नीचे वाला ऑप्शन। जैसे मैं सिलेक्शन करता हूँ तो यहाँ पे देखो एक कॉलम वन करके आया है एंड इस कॉलम वन के साइड में अपना है क्वार्टर का कॉलम। यहाँ पे मुझे टाइप करने के लिए वो बोल रहा है कि आप एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल टाइप करो एंड उस एग्जाम्पल के बेसिस पे हम नीचे का जो रोज है, नीचे की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें चेंजेस करेंगे। तो लेट से मुझे चाहिए था, लेट से क्यू चाहिए था, डैश चाहिए था एंड देन वन चाहिए था, ऐसे मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, बराबर? इस वन को मैं ऐसे देखना चाहता था कि Q-1। जैसे मैं नेक्स्ट रो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो एक ग्रेड आउट वे में उसने प्रिटेंड कर लिया है कि आपको नेक्स्ट रो में क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए।
तो दिस इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट राइट, Q1 चाहिए मुझे, लेकिन मैं चेक कर रहा हूँ कि Q2 के लिए उसने क्या दिया है, जैसे क्वार्टर टू के लिए उसने Q2 लिया है या वो वन ही कंसिडर कर रहा है उसके लिए भी। तो देखो यहाँ पे जैसे वन खत्म हो रहा है और टू स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी उसने Q-2 ही किया हुआ है राइट। तो इसका मतलब ये दिस इंटरप्रिटेशन बाय पावर बीआई ये बराबर है, ये इन्फॉर्मेशन वो बराबर कंसिडर कर रहा है, जो या जो एग्जाम्पल आपने उसको दिया हुआ है कि आपको कैसा कॉलम चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग कॉलम, वो एग्जाम्पल उसको प्रॉपरली समझ में आया है, आपको आउटपुट भी वैसे ही मिल रहा है जैसे आपको चाहिए था। सो वंस इट इज डन सिंपली आई विल क्लिक ऑन दिस ओके बटन, ये कॉलम मेरा बन के क्रिएट हो जाएगा, इसका नाम रहेगा मर्ज राइट, Q1 Q2 Q3 फॉर्म का रहेगा ये, जो हमने किस ऑप्शन से बनाया, कॉलम्स फ्रॉम एग्जाम्पल। अभी इस मर्ज को मुझे इसका नाम मर्ज नहीं रखना है, जैसे मैं इसको नाम दे रहा हूँ क्वार्टर नंबर या QTR नंबर, मैं डबल क्लिक करके उसको रिनेम कर सकता हूँ, एंड वो रिनेम का भी जो स्टेप रहेगा वो भी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। एक्चुअली सर Q1 Q2 कैसे आया? ये Q1 Q2 कैसे आया? ठीक है, हमारे पास एक कॉलम है, अभी मुझे यहाँ पे इस वन के पहले क्यू चाहिए। इन शॉर्ट जो मेरे चार क्वार्टर है उनको 1, 2, 3, 4 डिनोट करने से अच्छा मुझे उनको डिनोट करना है Q1 Q2 Q3 Q4 या Q-1 Q-2 Q-3 Q-4 ऐसे, क्योंकि जब मैं इन क्वार्टर्स के कॉलम्स को मेरे विजुअलाइजेशन में यूज़ करूँगा तो अगर वो Q1 Q2 Q3 Q4 के फॉर्म में रहेंगे तो अंडरस्टैंडिंग के लिए यूजर्स का जो रिपोर्ट जो पढ़ रहा है उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको जल्दी समझेगा दिस बिलोंग्स टू क्वार्टर राइट, या मैं क्यू की जगह QTR करके क्वार्टर वन क्वार्टर टू ऐसे ऐसे डिनोट कर सकता हूँ, वॉट एवर आपको जैसे डिनोट करना है वैसे। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है कस्टम कॉलम्स फ्रॉम एग्जांपल, इसको मैं अगर ड्रॉप डाउन करता हूँ तो दो ऑप्शन आएंगे, फ्रॉम ऑल कॉलम्स फ्रॉम सेलेक्शन, मुझे सारे कॉलम्स को कंसिडरेशन लेते हुए एक नया कॉलम नहीं बनाया, मुझे बस क्वार्टर का कॉलम कंसिडरेशन में लेके ही एक नया कॉलम बनाना, इसलिए तो मैंने क्वार्टर का कॉलम ही सेलेक्ट किया हुआ, ना कि डेट का कॉलम सेलेक्ट किया ना ये दूसरा कोई कॉलम सेलेक्ट किया। सो इस क्वार्टर को कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया है, सो आई विल चूज फ्रॉम सेलेक्शंस ऑप्शन, यहाँ पे मुझे कॉलम वन जो दिख रहा है ये कॉलम वन क्रिएट होने वाला है, यहाँ पे मुझे एक डबल क्लिक करने के बाद जो एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ टू क्रिएट और कस्टम कॉलम, सो वो कैसे हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ QTR-1 मुझे ऐसे आउटपुट चाहिए, जैसे मैं सेकेंड रो पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली बेस अपॉन योर एग्जाम्पल यू प्रोवाइडेड इन द फर्स्ट रो या फर्स्ट सेल, बाकी के सेल्स में कैसे उसी एग्जाम्पल को कॉपी करके और जो क्वार्टर का जो कॉलम है उसके अंदर की वैल्यू इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपने ये डाला हुआ है QTR-1, तो वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि नेक्स्ट सेल में क्या वैल्यू आनी चाहिए, पावर बी आई उसकी अंडरस्टैंडिंग से वैल्यू देता है, लेकिन हम क्या करते हैं क्रॉस चेक करते हैं कि पावर बी आई ने जो अंडरस्टैंडिंग किया हुआ है वो करेक्ट है या नहीं। जैसे यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वार्टर ख़त्म हुआ सेकंड क्वार्टर स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 2 नंबर है क्वार्टर में क्वार्टर के कॉलम में, और यहाँ पे देखो मर्ज के कॉलम में QTR-2 आया हुआ है, इसका मतलब जो एग्जाम्पल आपने दिया था वो सही है और पावर बी आई ने उसको एग्जैक्टली रीड करके प्रॉपरली आपको आउटपुट दिया है। सो हम श्योर हो गए कि हमने जो एग्जाम्पल दिया था वो सही है और जो आउटपुट हमें चाहिए था वही मिल रहा है, देन सिंपली आई क्लिक ऑन दिस ओके बटन। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करते हो तो वो जो ग्रेड आउट में जो कॉलम दिख रहा था आपको वो यहाँ पे इस टेबल में ऐड हो जाएगा जिसका नाम रहेगा मर्ज, आप इस मर्ज को चेंज कर सकते हो, जैसे मैं उसको रिनेम कर रहा हूँ QTR नंबर, ऐसे मैंने नाम दिया उसको। ठीक है, क्लियर है, अभी समझ में आया, बनाओ ये दो कॉलम, बनाओ क्वार्टर का बनाओ पहले एंड देन दिस क्वार्टर नंबर, क्वार्टर का तो सिंपल ही है, आपको बस एड कॉलम पे जाना है, डेट के ऊपर क्वार्टर का नंबर ले लो, एंड दिस क्वार्टर नंबर के लिए कॉलम्स फ्रॉम एग्जांपल से फ्रॉम सेलेक्शन का ऑप्शन लेके बनाओ।
हेलो हेलो यस सर, लाइक आज मेरा फर्स्ट डे है. आगे के मतलब स्टार्टिंग के दो लेक्चर्स के टाइम पे मैं नहीं थी, तो मुझे रिकॉर्डिंग्स मिल सकता है क्या? हाँ मिल जाएगा ना, मैंने ग्रुप पे डाला हुआ है. आप DA10 के ग्रुप पे हो क्या, व्हाट्सएप ग्रुप पे? मुझे कल ही ऐड किया है, तो मुझे आई डोंट हैव एनी अपडेट रिगार्डिंग दिस. मैं इस लेक्चर के बाद लिंक डाल दूंगा. थैंक यू. आई थिंक एक ही लेक्चर हुआ है. दिस इज लाइक आज का थर्ड लेक्चर है, तो मंडे और ट्यूसडे हुआ था. तो नहीं, जो फर्स्ट लेक्चर जो हुआ था, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर, उसको रिकॉर्ड नहीं किया था हमने. बट एक्चुअल जो पावर बीआई स्टार्ट हुआ है, वो उसका एक ही लेक्चर हुआ है, वही रिकॉर्डेड है. मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में. ओके सर, और ये जो डेटा सेट है इसका भी मिलेगा क्या? श्योर सर, मैं वो भी दे दूंगा. थैंक यू. अगर किसी के पास ग्रुप में वो डेटा सेट्स एंड यूट्यूब के चैनल की लिंक है तो शेयर कर दो. अगर है तो देन अदरवाइज आई कैन शेयर आफ्टर आफ्टर दिस रिकॉर्डिंग अपलोडेड ऑन द चैनल. यहाँ तक हो गया सबका क्वार्टर एंड क्वार्टर नंबर? यस सर. सो अभी अगेन मुझे और एक कॉलम चाहिए यहाँ पे, जिसका नाम है स्टार्ट ऑफ द वीक. स्टार्ट ऑफ द वीक अगर मुझे कॉलम बनाना है तो आप मुझे बताओ कि मैं कैसे बनाऊँ, कौन सा कॉलम सेलेक्ट करूँ, कौन सा ऑप्शन लूँ, एंड कैसे वो आएगा स्टार्ट ऑफ द वीक का कॉलम. मंथ का कॉलम सेलेक्ट कर दीजिए. मंथ का कॉलम सेलेक्ट करना. देन यहाँ पे ऐड कॉलम करके वहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा वीक. ओके ऐड कॉलम, बट ये सिलेक्शन बराबर है मंथ नेम का? यस सर. ओके मंथ नेम का कॉलम सिलेक्ट किया, देन ऐड कॉलम के अंदर यहाँ पे डेट का जो ऑप्शन है उस पे, जैसे मैं इस डेट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखो कोई ऑप्शन क्या ऑन दिख रहा है आपको या ऑफ दिख रहा है? ऑफ 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 दिख रहा है. क्यों दिख रहा है ऑफ सर? कॉलम गलत चल रहा है. आपने टेक्स्ट कॉलम किया हुआ है ना, इस जनवरी मंथ को, ये जो जनवरी नाम है, इस जनवरी नाम से आप क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो कि ये जनवरी कौन से वीक का है? वो नहीं, नो, इससे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी हमें. इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? अगर डेट के कॉलम से मिलेगी. डेट, दिस डेट बिलोंग्स टू विच वीक. और स्टार्ट ऑफ द वीक क्या होता है? स्टार्ट ऑफ द वीक मतलब क्या होगा? मंथ का फर्स्ट डे ऑफ द वीक. मतलब अगर मैं मंडे से वीक स्टार्ट करता हूँ तो मंडे इज माय स्टार्ट ऑफ द वीक ना? नहीं समझे. सो दिस डेट कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया. अगेन गो टू द डेट ऑप्शन. सी ऑफ द ऑप्शंस आर विजिबल टू मी. I'll go to the week and over here I can choose start of the week. Abhi this start of the week 2014. Iski jo date hai correspondent date kya hai? 1st of January 2015 Thursday tha. Barabar? So Thursday agar mera hai and ye jo mera 28 December 2014 aa raha hai, to kitne din piche chala gaya ye? 1 जनवरी 2015 से 28 दिसंबर 2014 3 days ना? करेक्ट. दिस इज दिसंबर, 28 दिसंबर एंड दिस इज 1st ऑफ जनवरी. सो इन शॉर्ट आपका जो मंथ रहेगा, सॉरी जो वीक रहेगा, वो मंडे को स्टार्ट होगा ना? यस सर. बराबर. दिस 28 ऑफ दिसंबर 2014 ये कहां तक रहेगा? जब तक आपका ये जो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, यहाँ पे देखो आपका एक वीक खत्म हुआ. इस मंडे को वापस से स्टार्ट हुआ ना 5th of January 2015. यस सर. अगर ये पर्टिकुलर रो, जैसे 5th नंबर का जो ये रो है, इसको अगर मैंने देखा सी और हियर,
इसका स्टार्ट ऑफ द वीक क्या दे रहा है? वो फोर दे रहा है ना, फोर। तो इन शॉर्ट पावर बी आई में यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्टार्ट ऑफ द वीक है वो किसको कंसिडर कर रहा है? वो संडे को कर रहा है। संडे इज योर स्टार्ट ऑफ द वीक एंड सैटरडे इज योर एंड। पावर बी आई में ऑलवेज हमें जो नंबरिंग मिलती है संडे को वन कंसिडर करते हैं, सैटरडे को सेवन कंसिडर करते हैं। समझ में आया? Yes. ठीक है, अभी ये जो डेट के ऑप्शन हमने देखे यहाँ पे, डेट के अंदर हमने क्या क्या देखा, ईयर मंथ वीक क्वार्टर देखे ना, राइट। यहाँ पे और भी ऑप्शन है ना, स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड ऑफ द ईयर, ये सब आपको ट्राई करना है। ये स्टार्ट ऑफ द ईयर से क्या आउटपुट आएगा, एंड ऑफ द ईयर से क्या आएगा, मंथ के बाद हमने एक ऑप्शन देखा इसके अंदर क्या की नेम ऑफ द मंथ, तो इसमें मंथ भी है, स्टार्ट ऑफ द मंथ भी है, एंड ऑफ द मंथ भी है, राइट। तो बाकी के ऑप्शन ट्राई करना है आपको। जैसे मैं यहाँ पे मंथ भी ऐड कर रहा हूँ, ये मंथ का कॉलम, ये मंथ का कॉलम को मैं अगर क्लिक करता हूँ तो वो क्या देगा, मंथ नंबर देगा। ये जो मेरा डेट का कॉलम है इसमें ये जो मंथ है ना जिसका वन नंबर है, फरवरी का टू है, ये मंथ नंबर देगा। मंथ का अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो मंथ को मंथ का नंबर देगा, कौन सा मंथ नंबर देगा। ठीक है, इसको रिनेम कर रहा हूँ मैं मंथ नंबर, स्टार्ट ऑफ द वीक एंड मंथ नंबर का कॉलम बनाओ आप, स्टार्ट ऑफ द वीक एंड मंथ नंबर का कॉलम बनाओ। लेकिन बाकी के जो ऑप्शंस यहाँ पे हमने देखे नहीं है वो ऑप्शंस आपको खुद ट्राई करने हैं। कुछ अड़चन आती है तो नेक्स्ट लेक्चर को पूछूंगा, ट्राई करूँगा। स्टार्ट ऑफ द वीक एंड मंथ नंबर, डन। यस, ठीक है। सो अभी कैलेंडर टेबल के अंदर के ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखे, ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होते हैं कैलेंडर के लिए, तो मैं इस टेबल को लोड कर रहा हूँ पावर बी डेस्कटॉप के अंदर। सो आई विल जस्ट हिट क्लोज एंड अप्लाई। जो टेबल्स में हमने जो कॉलम्स बनाए हैं वो सारे कॉलम्स मुझे टेबल व्यू में यहाँ पे दिखाई देंगे कि डेट, डे नेम, मंथ नेम, ईयर, क्वार्टर, क्वार्टर नंबर, स्टार्ट ऑफ द वीक, मंथ नंबर, ये सारे कॉलम्स हमने बनाए हैं तो वो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, अभी यहाँ पे देखो कि जैसे मैं इस कोई भी कॉलम्स के ऊपर होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक आई जैसा सिम्बॉल बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे लेट्स से दिस क्वार्टर, ये क्वार्टर का जो कॉलम है ये कॉलम मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि क्वार्टर नंबर ऑलरेडी हमने एक बनाया हुआ है जिसमें QTR-3 मिल रहा है। दिस क्वार्टर नंबर का मुझे कोई काम नहीं लग रहा है तो मुझे इसको दिखाना नहीं है रिपोर्टिंग व्यू में। सो व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे क्वार्टर को जो है यहाँ पे उसको क्लिक कर रहा हूँ,
अभी देखो ऐसे हाइड जैसे आ रहा है सिंबल हाइड, बाकी के कॉलम को नहीं आ रहा लेकिन इसको आ रहा है राइट। यहाँ पे मैं अगर रिपोर्ट व्यू में गया वापस तो यहाँ पे मुझे वो क्वार्टर का कॉलम नहीं दिखेगा, क्वार्टर नंबर दिख रहा है लेकिन क्वार्टर का जो कॉलम था वो यहाँ पे नहीं दिख रहा, लेकिन वो डेटा व्यू में दिखेगा जो हाइड किया हुआ। अंडरस्टैंड कि जब ये रिपोर्ट आप पब्लिश करते हो तब तो यूजर को ये नहीं दिखता, ये पोर्शन नहीं दिखता, ये बस डेवलपर्स के लिए होता है। और ये वो भी हमें पावर बी आई डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के अंदर जब हम रिपोर्ट को ओपन करते हैं तब ये दिखता है, ऑनलाइन आप इसको नहीं देख सकते, हमें बस ये स्क्रीन दिखती है ऑनलाइन। बैकएंड की ये दो जो होते हैं ये बैकएंड के लिए होते हैं और डेवलपर पर, तो इसीलिए हमें वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर हमें ये दिखते हैं या यहाँ पे हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जब रिपोर्ट्स को आप पब्लिश करते हो ये क्लाउड में जब आप डालते हो तो बस ये स्क्रीन दिखती है यूजर्स को जो इसको कंज्यूम करते हैं रिपोर्ट को। तो यहाँ से आप हाइड कर सकते हो जो भी कॉलम्स, अनवांटेड कॉलम्स, अनवांटेड मेजर्स, अनवांटेड टेबल्स आपको हाइड करने हैं तो सारे के सारे आप हाइड कर सकते हो। ठीक है, हाइड कैसे करना है समझ में आया? तो लेट्स मूव फर्दर। हम एक नया टेबल लेते हैं कस्टमर का टेबल टू डू सम मोर ट्रांसफॉर्मेशन। सो अगेन आई विल ट्रैवल टू और आई सेलेक्ट टेक्स्ट CSV कनेक्टर फ्रॉम गेट डेटा and I transfers to my folder where I keep AdventureWorks CSV files extracted tables. So I'll choose second table, this AdventureWorks customer CSV, and I'll just open it. Customer ka table sab log fetch karo aur Power Query ke andar usko open karo. Once preview is visible to me, instead of loading I'll click on transform data because I wanted to do some changes over here in that particular table. So I'll click on transform data and again Power Query transformation ka jo Power Query editor ka window hai wo open ho jayega hamare samne. This is our first table calendar jiska transformation humne kar chuke hain already. Abhi hame transformation karna hai for this customer table. Load ho gaya sabka customer table Power Query editor ke andar. सर हमें न्यू स्क्रीन लेनी पड़ेगी न्यू कैनवस में? नहीं नहीं न्यू स्क्रीन नहीं लेनी पड़ेगी। एक बार आपने आपने क्लोजन अप्लाई कर दिया ना? यस सर। तो क्लोजन अप्लाई करने के बाद यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक करो ना वापस। ओके। एंड टेक्स्ट CSV कनेक्टर सेलेक्ट करो, हमें इसी फाइल्स के अंदर एक ही फाइल्स के अंदर मल्टीपल टेबल लेके आने हैं। हो गया कस्टमर का टेबल लोड हुआ सबका? यस सर। ओके फाइन। सो अभी माय रिक्वायरमेंट इज दैट कि यहाँ पे मेरे पास प्रीफिक्स फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऐसे तीन कॉलम है। प्रीफिक्स में क्या है मिस्टर मिस व्हाटएवर जो रहेगा मिस्टर मिस मिसेस समथिंग जो प्रीफिक्स हम लगाते हैं किसी भी नाम के आगे वो प्रीफिक्स यहाँ पे फर्स्ट एक कॉलम में सेकेंड कॉलम में फर्स्ट नेम है कस्टमर का
एंड थर्ड कॉलम में उसका लास्ट नेम है। सो अगर मैं एक साथ पढ़ू, सो मिस्टर जॉन यांग, ये जो बंदा है, ये जो कस्टमर है, इसका फुल नेम हुआ ये मिस्टर जॉन यांग, बट ये फुल नेम तीन अलग अलग कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इंस्टेड ऑफ थ्री कॉलम मुझे इन तीनों का एक ही कॉलम बनाना है, ठीक है, अंडरस्टैंड है। हमें क्या करना है, तीन अलग अलग कॉलम्स को मर्ज करके एक कॉलम बनाना है जिसको नाम देंगे हम फुल कॉलम या फुल नेम, ओके। सो उसको कैसे करेंगे, सो फॉर दैट लेट्स से मुझे क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये तीनों कॉलम सेलेक्ट करने पड़ेंगे। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी हमें, जो सिलेक्शन का हमारा क्राइटेरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम को पहले सेलेक्ट किया है, देन मैंने प्रीफिक्स को सेलेक्ट किया है कंट्रोल प्रेस करके, एंड देन मैंने लास्ट नेम को सेलेक्ट किया। मैंने सिलेक्शन कैसे किया है, फर्स्ट नेम को मैंने पहले सेलेक्ट किया था, कंट्रोल प्रेस करके मैंने फिर मल्टी सेलेक्ट के लिए कंट्रोल प्रेस किया, और मैंने फिर प्रीफिक्स को सेलेक्ट किया, एंड देन मैंने लास्ट नेम को सेलेक्ट किया। तीन कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिए, अभी इन तीनों को मुझे एक करना है। सो यहाँ पे मेरे पास तीनों को मिलाकर मुझे एक नया कॉलम बनाना है। सो आई गो टू द ऐड कॉलम सेक्शन, और यहाँ पे देखो मेरे पास एक ऑप्शन है फ्रॉम द टेक्स्ट, बिकॉज दोज थ्री कॉलम्स आर द टेक्स्ट कॉलम, नॉट नंबर, नॉट डेट, इट इज़ अ टेक्स्ट कॉलम। सो फ्रॉम टेक्स्ट कॉलम के अंदर मर्ज कॉलम नाम का ऑप्शन मेरा हाईलाइटेड है। सो वंस आई क्लिक दिस मर्ज कॉलम, एक पॉपअप मेरे सामने आएगा कि इन तीन कॉलम्स को आप मर्ज कर रहे हो, तो इन तीनों में सेपरेटर क्या देना है। सेपरेटर मतलब लेट्स से मिस्टर एंड जॉन, ये दो अलग अलग वर्ड है अलग अलग कॉलम के अंदर से। अगर मैं उनको एक जगह पे लेके आऊँ मिस्टर जॉन को, तो मिस्टर एंड जॉन के बीच में मुझे कुछ चाहिए सेपरेटर, तो ये सेपरेटर वो रहेगा। तो फिलहाल के लिए मुझे ना कॉमा चाहिए, ना इक्वल साइन चाहिए, या कोई कस्टम भी आप ले सकते हो। अगर आपको डॉलर या कोई भी साइन पुट करना है तो आप कस्टम में डाल के वो पर्टिकुलर जो रहेगा आपका ऑपरेटर या सेपरेटर जो भी रहेगा वो यहाँ पे डाल सकते हो, एंड देन ओके करने के बाद ये सेपरेटर आएगा इन वर्ड्स के बीच में। सो फिलहाल के लिए हमें क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। यहाँ पे देखो स्पेस है, तो मैंने जो सिंपली स्पेस सेलेक्ट किया है, मुझे दो वर्ड्स के बीच में बस स्पेस चाहिए, और जो कॉलम क्रिएट होने वाला है उसका नाम रहेगा मर्ज। सो ये मर्ज नहीं चाहिए मुझे उसका नाम, मुझे उसका नाम चाहिए फुल नेम। सो आई विल टाइप हियर फुल नेम एंड सिंपली आई क्लिक ऑन ओके, ठीक है। जो कॉलम बनेंगे वो ऑलवेज लास्ट में बनेंगे, आपके टेबल के लास्ट में वो बनेंगे। सो यहाँ पे देखो ये जो नाम बना है जॉन मिस्टर यांग, ये कैसे बना, पहले क्या आया है, फर्स्ट नेम आया था, देन प्रीफिक्स आया है, एंड देन लास्ट नेम आया है। ये कैसे हुआ, जो सिलेक्शन मैंने दिया था, राइट, ये जो सिलेक्शन मैंने दिया था, मम्मी भी एक 10 मिनट करू का फोन, बर मी पैसे पाठवले नाही, अगं ती माझं ना नेट बँकिंगचा पासवर्ड काहीतरी चुकलाय, ती मला दोन वेळा त्याला टाइप करता आला पासवर्ड नाही, तर मग तिसऱ्या वेळा ती लॉक झाला असतं, म्हणून मी उद्या सकाळी पाठवतो परत। हां ठीक आहे ठीक आहे, बाकी बरं आहे ना, जेवले का तुम्ही, बरं ठीक ठीक। हॅलो, यस सर, ओके। सो यहाँ पे जो कॉलम क्रिएट हुआ था, ये कॉलम कैसे क्रिएट हुआ, जो मैंने सिलेक्शन किया था कॉलम्स को, मल्टी कॉलम्स को सेलेक्ट करने के लिए, मल्टीपल कॉलम्स को कंट्रोल प्रेस कर, तो पहले मैंने फर्स्ट नेम सेलेक्ट किया था, देन मैंने प्रीफिक्स सेलेक्ट किया था, देन मैंने लास्ट नेम सेलेक्ट किया था। सो सिलेक्शन भी मैटर करता है जब आप कॉलम्स को ज्वाइन या मर्ज करते हो एक दूसरे के अंदर, या मल्टीपल कॉलम्स को एक सेल में लाते हो, तो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया मैटर करता है कि आपने कैसे सेलेक्ट किया हुआ है।
सो दिस स्टेप्स नॉट गिविंग अस अ प्रॉपर रिजल्ट, सो इन स्टेप्स को मैं डिलीट कर सकता हूँ। अगर इस स्टेप को मुझे एडिट करना है तो यहाँ पे देखो गियर आइकॉन का एक साइन आता है, इस गियर आइकॉन पे अगर मैं चेंज करूँ या क्लिक करूँ तो वो सेपरेटर आपने जो स्पेस दिया था उसको चेंज करने के लिए ये आपको दे सकता है ऑप्शन। बट हमारे केस में हमें जो सिलेक्शन करना था वही हमारा गलत है, इसलिए हमें ये स्टेप डिलीट करना पड़ेगा। हमें सेपरेटर नहीं चेंज करना है, हमें क्या करना है ये स्टेप को ही रिमूव करके नया स्टेप्स ऐड करना है। सो इसके लिए मैं इस क्रॉस पे क्लिक करूंगा, इस स्टेप्स को डिलीट कर दूंगा। एंड नाउ अगेन आई चूज दोज थ्री कॉलम्स फॉर प्रॉपर ऑर्डर या प्रॉपर सिलेक्शन। सो पहले प्रीफिक्स आएगा, कंट्रोल प्रेस करके मैं फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ। सो जो नाम बनेगा फाइनल वो बनेगा मिस्टर जॉन यांग, ऐसे बनेगा राइट। उसके लिए मैं अगेन जाऊँगा ऐड कॉलम्स एंड चू लूंगा मर्ज कॉलम्स ऑप्शन। सेपरेटर्स आई चूज स्पेस एंड इंस्टेड ऑफ मर्ज नेम आई वॉन्ट दिस नेम फॉर दिस न्यू कॉलम इज फुल नेम। सिंपली आई हिट ऑन ओके। लेट्स चेक द लास्ट, यू सी द लास्ट कॉलम जो बना है हमारा वो बना है मिस्टर जॉन यांग, ठीक है अभी प्रॉपर बना। प्रीफिक्स फर्स्ट देन द फर्स्ट नेम एंड देन द लास्ट नेम, ओके। अगेन ये सिलेक्शन मैटर इसलिए करता है क्योंकि हो सकता है कि आपके जो कस्टमर हो, आपका जो क्लाइंट हो जिसके लिए आप रिपोर्ट बना रहे हैं, उसको ऐसे दिखना है कि पहले लास्ट नेम दिखे देन फर्स्ट नेम दिखे, सभी कस्टमर का ऐसे रिक्वायरमेंट अगर होगा उनका, देन यू कैन यूज एट द टाइम की सिलेक्शन आप प्रॉपरली करो, जो आपको पहले चाहिए उसको पहले सेलेक्ट करो, जो बाद में चाहिए उसको बाद में सेलेक्ट करो। अंडरस्टैंड, ये सिलेक्शन का जो थिंग्स है ये समझ में आया कि हम सिलेक्शन जो करते हैं उसके बेसिस पे हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है मर्ज कॉलम। ओके सो नेक्स्ट स्टेप है, लेट्स से मुझे यहाँ पे जो मैंने मिस्टर जॉन यांग जो नाम आया हुआ है ये सारा कैपिटल लेटर्स में, राइट मुझे क्या चाहिए कि ओनली हर एक वर्ड जो है, राइट यहाँ पे तीन वर्ड है, मिस्टर एक वर्ड है, जॉन एक वर्ड है, यांग एक वर्ड है, तो ये तीनों जो वर्ड है इनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल चाहिए, बाकी के जो लेटर्स है मुझे स्मॉल चाहिए। रिक्वायरमेंट समझ में आया सबको? यस सर। तो इसको कैसे अचीव करेंगे, जैसे इस फुल नेम का जो मेरा कॉलम है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग न्यू कॉलम, मुझे न्यू कॉलम नहीं बनाना है, मुझे इसी कॉलम्स के अंदर उसके चेंजेस करने हैं। सो अभी तक हम क्या कर रहे थे, नए कॉलम बना रहे थे, इसलिए हम ऐड कॉलम को यूज कर रहे थे, हमें अभी एग्जिस्टिंग कॉलम के अंदर ही चेंजेस करने हैं। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऐड कॉलम हम चूज करेंगे होम आइदर ट्रांसफॉर्म, दोनों में से जो भी ऑप्शन हमें मिलेगा वो, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे मैं होम पे जा रहा हूँ, होम इन ट्रांसफॉर्म, लेट्स से दिस इन द ट्रांसफॉर्म, मेरे पास यहाँ पे सी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट है राइट, नॉट द एक्सट्रैक्ट इन द फॉर्मेट, सी इन द फॉर्मेट यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है एक, किसमें ट्रांसफॉर्म का जो मेरा टैब है, इस ट्रांसफॉर्म के अंदर टेक्स्ट कॉलम का जो सेक्शन है, इस टेक्स्ट कॉलम के सेक्शन के अंदर मेरे पास स्प्लिट कॉलम, फॉर्मेट, एक्सट्रैक्ट, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। सो इन द फॉर्मेट ऑप्शन में जब इसको ड्रॉप डाउन करता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरे को ऑप्शन मिल रहा है कि लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर एक वर्ड को कैपिटलाइज करो। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ देन यू सी जो हर एक वर्ड है उस पर्टिकुलर सेल के अंदर वो उसका फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल है, बाकी के लेटर स्मॉल हुए हैं। ये कैपिटलाइज ईच वर्ड हमें कहाँ पे मिला, ये हमें मिला ट्रांसफॉर्म के अंदर इस फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर, लोअर केस, अपर केस। अगर मैं लोअर केस करता तो ये सारे लोअर केस में आ जाते, अपर केस करता तो सारे कैपिटल हो जाते। कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब हर एक वर्ड कैपिटलाइज, बस उसका इनिशियल वर्ड कैपिटल या लेटर कैपिटल है, बाकी के स्मॉल है। ट्रिम क्लीन जो होते हैं वो स्पेस वगैरह जो रहेगा आपके उस सेल के अंदर आगे पीछे जो स्पेस रहेंगे उसको क्लीन करने के लिए या ट्रिम करने के लिए यूज करते हैं। प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ये जो दो ऑप्शन है, प्रीफिक्स मतलब इस सेल के पहले कुछ ऐड करना है, सफिक्स मतलब उस सेल के बाद में कुछ ऐड करना है, देन यू कैन यूज द ऑप्शंस अकॉर्डिंगली। बट ये सारे ऑप्शंस आपको ट्राई करने हैं खुद से। मैंने आपको ये कैपिटलाइज ईच वर्ड यहाँ तक पहुँचा दिया है,
कि ये फॉर्मेट के अंदर मेरे पास ऑप्शंस है। ऑप्शंस को चेकआउट करना भी आपका काम है कि ये जो ऑप्शंस मैंने आपको दिखाए हैं तो ये क्या क्या आपको आउटपुट देते हैं। डेटा आपके पास है, ऑप्शंस आपके सामने, ट्राई करना पड़ेगा आपको, तभी पावर क्यूरी के जो कमांड्स है वो आपके याद में रहेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यहाँ पे, तभी हमें ध्यान में आएगा कि ऑप्शंस कहाँ पे कौन सा रखा हुआ है, किस ऑप्शन को यूज़ करने से क्या होता है। क्योंकि इसी पे हमारा जो हम जब क्लाइंट्स के लिए रिपोर्ट बनाते हैं, जो क्लाइंट्स की क्यूरीज होती है कि हमें ऐसा चाहिए, हमें ऐसा रिपोर्ट में वैसा चाहिए ऑप्शन, तो ये सारे जो ऑप्शंस है, ये जो सारी जो पॉसिबिलिटीज है, क्लाइंट की जो क्यूरीज है, ये आप तभी रिजॉल्व कर पाओगे जब ये बैकएंड के ऑप्शंस आपको पता हो कि क्या करने से क्या होता है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है हमें। हर एक ऑप्शंस कम से कम 10-12 टाइम आपके हाथों के नीचे जब जाएगा तभी वो आप सर फॉर्मेट ऑफ ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरा ऑप्शन फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। कॉलम कौन सा सेलेक्ट किया मैं जाता हूं मतलब फुल नेम का कॉलम से फुल नेम का कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है फिर भी फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं आ रहा नहीं स्प्लिट कॉलम के बाद होम में देख रहे हो ट्रांसफॉर्म में देख रहे हो होम में होम में होम में होम में मत जाओ ट्रांसफॉर्म में जाओ ट्रांसफॉर्म के अंदर रहेगा देखो ये फॉर्मेट टेक्स्ट कॉलम का सेक्शन जो है हां टेक्स्ट कॉलम मिला हां फॉर्मेट यस 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 मिला कुछ ऑप्शंस ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ ऑप्शंस होम के अंदर है यहां पे कुछ ऑप्शन ट्रांसफॉर्म के अंदर है ट्रांसफॉर्म एंड ऐड कॉलम्स के प्रीटी मच क्लियर है कि जब हमें कॉलम्स ऐड करने रहेंगे तो ऐड कॉलम के सेक्शन में जाना है अगर एग्जिस्टिंग कॉलम्स में कुछ चेंजेस करने हैं देन वी यूज ट्रांसफॉर्म ऑप्शंस बट कुछ ऑप्शंस इस होम के अंदर भी है उसके बट ये होम के अंदर नए कॉलम बनाने के ऑप्शंस नहीं है ये सारे ऑप्शंस आपके इसी के ट्रांसफॉर्म के ही है। ठीक है ऐड कॉलम का ये जो स्प्लिट कॉलम जो है ना ट्रांसफॉर्म का ये स्प्लिट कॉलम जो है वो यहाँ पे भी है होम के अंदर ये भी कॉलम्स ही क्रिएट करता है वी विल सी दिस ऑप्शंस लेटर ऑन बट अभी के लिए इतना याद रखो होम ट्रांसफॉर्म एंड ऐड कॉलम्स के अंदर ही आपके सारे ऑप्शंस है। बस जब आप प्रैक्टिस करोगे तब ये थोड़ा प्रैक्टिस के बाद ही आपको हैंडी हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है। क्लियर है सर? बोलो सर ये फुल नेम आखिर में क्यों आया उसी जगह रिप्लेस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पावर क्यूरी में जब आप नए कॉलम्स बनाते हो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आते हैं आप उसको शिफ्ट कर सकते हो जैसे इसको मुझे लेके जाना रहता है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा या मैं प्रेस करके रखूँगा कंट्रोल एंड इसको भी मूव करूँगा ऐसे। सर तो पहले वाला डिलीट कर सकते हैं ना? नहीं डिलीट करोगे तो आपने जो नया कॉलम बनाया तो उसकी बेसिस पे बनाया ना जैसे ये प्रीफिक्स फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इन तीन कॉलम्स को अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो ये फुल नेम का जो बेस है वो बेस तो यही तीन कॉलम है ना यस सर तो इनको डिलीट नहीं कर सकते। हाँ इनको आप क्या कर सकते हो फिर लोड करने के बाद हाइड कर दो ताकि ये कॉलम तीन दिखेंगे नहीं बस फुल नेम का कॉलम ही दिखेगा। सर मतलब किसी को रिपोर्ट भेजना है तो इन तीनों को हाइड करना पड़ेगा? ऑब्वियसली हाइड करना पड़ेगा क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है ना इन तीनों को एकजुट करने के लिए तो आपने ये फुल नेम का कॉलम बनाया था। ओके सर एंड नहीं भी किया तो भी वो कॉलम्स उनको दिखेंगे नहीं रिपोर्ट व्यू क्योंकि रिपोर्ट व्यू जो होता है इट्स दिस रिपोर्ट व्यू क्लाइंट को जो दिखता है वो ओनली दिस ये व्यू दिखता है रिपोर्ट का ये जो एंड ये जो ये दो जो व्यू है ये दो व्यू नहीं दिखते उनको। अगर आपने कॉलम्स लेके भी गए यहाँ पे तो वो यहाँ पे रहेंगे इससे इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ये किस लिए हाइड करना है दिस इज फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस की अनवांटेड जो चीज़ें हैं आप वो दिखा नहीं रहे हो या लेके नहीं हो बेस्ट प्रैक्टिस जो बोलते हैं ना रिपोर्ट जनरेशन की इसके लिए मैं वो बोल रहा हूँ कि इन तीनों को हाइड कर दो और बस फुल नेम का कॉलम ही पावर बी डेस्कटॉप में रखो। ठीक है यस सर ओके सो आज हम यहाँ पे रुकते हैं और बाकी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है हम ये कल देखेंगे
इस पर्टिकुलर टेबल का एंड अगेन वन मोर टेबल का, ठीक है। तो अभी जो इतना मेरा काम हुआ है, अगेन आई जस्ट क्लिक ऑन क्लोज एंड अप्लाई। यहाँ पे मैं डेटा को लोड कर रहा हूँ, जितना भी मेरे पास अभी दो टेबल है, राइट। दिस इज माय एडवेंचर वर्क कैलेंडर टेबल एंड दिस इज कस्टमर टेबल। एंड मैं कंट्रोल यस करके कल की फाइल को, जो डेटा है मेरा, उसी में इसको सेव कर रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ओपन करूँ तो यहीं से हम स्टार्ट कर सकें, ठीक है। सो आई एम जस्ट कैप्चरिंग द अटेंडेंस, डोंट लीव, वेट। Why are people leaving? ठीक है, किसी को कुछ डाउट है यहां तक जितना हमने देखा? नो सर। नहीं, ठीक है, फिर मिलते हैं कल, ओके, चलो, बाय बाय, गुड नाइट। नमस्कार।